बेलन वाली बहू है पर लड़की बिल्कुल गऊ है। जैसी भी इच्छा हो आपकी मैं पूरी करूंगी। कर सकती निरूपा होती तो निरूपा नहीं है प्रेमलता, रूपा ही है कि नहीं? सॉरी वेरी सॉरी। भूख के मारे जान निकली जा रही है। अब नरेश तू बाहर से खाना ले जा। टॉली में कैसे जाऊं? अरे आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं कुछ बना लूंगी। अरे रूपा इतने जल्दी तुम क्या बनाओगी? पराठे, जले हुए पराठे। रूपा बेटे ये जले हुए पराठे, ये करेले की सब्जी, ये क्या बना दिया? रूपा तुझे पता ना घर में कोई नहीं खाता ये सब, ये सिर्फ मेरे लड्डू को पसंद है। वही तो मम्मी जी, उनको बहुत अच्छे लगते थे ना। आज सुबह से उनकी याद आ रही है तो मैंने सोचा मैं उनकी याद में यही बना दूं। लेकिन बेटा ये आपको उनकी याद नहीं आती? लड्डू को कैसे भूल सकते हैं बेटा, लेकिन वही तो पापा जी, कैसे भूल सकते हैं उनके फेवरेट जले हुए पराठे और करेले की सब्जी को। करेला कड़वा होता है भाभी, लेकिन यादें तो मीठी होती है ना। मुझे बस लगा। अरे दूंगी खींच के। सॉरी वेरी सॉरी, जोर से चिल्ला दिया ना मैंने। मैं काम करती हूँ और गर्मा गर्म पराठे लेकर। नहीं मुझसे यही नहीं खाया जा रहा, तूने अपना पराठा भी इसमें डाल दिया यार। हाँ आ गए और पराठे हो गया। दादाजी आप खा रहा हूँ रूपा बेटा, वो क्या है आज मैं ना बहुत स्लो खा रहा हूँ। नहीं खाने दीजिए। ए रूपा वो देख शालिनी, उसने जरा सा भी नहीं खाया, उसको बोलना खाने को। छोड़िए ना। नहीं बोलना, मुझे चाहिए सब खाएं। भाभी आपने तो जरा सा भी नहीं खाया, आप खाइए ना। हाँ मैं खाती हूँ ना। छोड़िए मुझे, छोड़िए। Well, लगता है इस बार शालू को एक रिस्पेक्टेबल भूत ने पकड़ा है। देखो ना कितनी इज्जत से बोल रही है, छोड़िए। लड्डू भैया मैं ये नहीं खा सकती। बस तुझे खाने से मना कर रहा है। हाँ। पूछना शायद मुझे भी मना कर रहा हो। नहीं सिर्फ मुझे मना कर रहा है। अरे सिर्फ तुझे क्यों मना कर रहा है वो? क्योंकि मुझे उनकी याद नहीं आती ना। तुझे मेरे लड्डू की याद नहीं आती? मतलब दादा जी मुझे उनकी याद क्यों आएगी? मैं तो उनको देख सकती हूँ ना, आप लोग नहीं देख सकते। आप लोग को याद आती है तो आप लोग खाइए, खाइए, मजे से खाइए। हाँ, ऐसा लड्डू भैया बोल रहे हैं। अब भैया बैठिए ना। एक नंबर की झूठी है ये रूपा। मेरी एक और इच्छा है। बस बस बस, प्लीज 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 प्लीज, इसको भूत दिखती है ना, इसको सच में भूत दिखा, दिखा। क्या? हाँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती। करना पड़ेगा, नहीं कर सकती। मेरी आखिरी इच्छा है, प्लीज, तुझे मेरी कसम, मेरी कसम। मम्मी जी। हाँ बेटा। मम्मी जी, मुझे ना थोड़ी सी हेल्प चाहिए। हाँ बोल ना। मुक्ति पूजा के दिन आपने जो मुझे सफेद साड़ी दी थी ना, वो मुझे चाहिए। अरे ना बेटा ना, उस दिन मुक्ति पूजा थी इसलिए सफेद साड़ी पहननी जरूरी थी, लेकिन अब तो कभी सफेद साड़ी नहीं पहनेगी। मेरे साथ जब ऐसा होगा तो मैं भी नहीं पहनूंगी। हाँ? अच्छा, अब तो जा आराम से सो जा, ठीक है? और सुन, सफेद चादर भी नहीं ओढ़ना, ठीक है? रूपा, गुड नाइट। गुड नाइट मम्मी जी। अरे तेरे लिए कौन सी नई बात है शालू, जाके आराम से भूत से बात करना, मुझे सोने दे। निकाला नहीं गया। मुझे लगा चोर है। चालनी खामखा डरा दिया। अच्छा तू लगी रहे। मम्मी जी मेरे साथ चलिए ना। शालिनी, तेरा तो हर रोज का दोस्त है ना तेरे, तू मिल लेना। मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी लेने जाना है। मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी प्लीज, मम्मी जी डर लग रहा है। मम्मी जी, मम्मी जी प्लीज, मम्मी जी मुझे छोड़ के मत, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए प्लीज, छोड़ दीजिए। चल तू जलाल तू, आई बला को टाल तू, चल तू जलाल तू। अरे हाँ, सब सो गए। चल तू जलाल तू, आई बला को टाल, चल तू जलाल तू, आई बला को टाल, चल तू जलाल तू, आई बला को टाल तू, चल तू जलाल तू, आई बला को टाल तू, चल तू जलाल तू, आई बला को टाल तू। नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, वो भाभी अपने कुछ दोस्तों से बातें कर रही है। हाँ और बता। चल तू जलाल तू, आई बला को टाल तू, चल तू जलाल तू। अरे मिल गए सबका पतलूने, मिल गए सबके पतलूने। चलो, मतलब चोर पुलिस वाले के घर में ही था। ओ शालिनी, क्यों किया ऐसा? देख हम सबको तौलियों में सोना पड़ रहा है। दादाजी मैंने ये सब नहीं किया, ये तो ऊपर से गिरे। ऊपर से तो ओले गिरते हैं शालिनी, पजामे नहीं। Well, मतलब इंस्पेक्टर जितेंद्रनाथ अवस्थी की बीवी एक पजामा चोर है। नहीं जीतू, मैं सच कह रही हूँ, मैंने यहाँ पे भूत देखा है। लो, फिर शुरू हो गया भूत का ड्रामा। कहाँ दिखते हैं तो फिर शोर क्यों मचा रही है? हर रोज का है ना इसका। हाँ, तो क्यों? कितने अच्छे लगते हो आप हंसते हुए, ऐसे ही हंसते रहा कीजिए। अब बताइए आपकी अगली इच्छा क्या है? आज का कोटा पूरा, कल बताऊंगा अपनी अगली इच्छा। अभी सो जा। सो जाऊं? ऐसे कैसे सो जाऊंगी? सोच सोच के पागल हो जाऊंगी कि आपकी अगली इच्छा क्या है और कैसे पूरी करनी। बोला ना सो जा, कल बताऊंगा कि आखिरी इच्छा क्या है और उसको कैसे पूरा करना है। ये 3 इच्छाएं पूरी कर करके मेरी हालत खराब हो गई। ये अगली इच्छा क्या होगी? कहाँ चले गए ये? कह तो रहे थे कि सुबह सुबह अपनी इच्छा बताऊंगा, क्या पता। मम्मी जी, ये क्या हो रहा है? मम्मी जी, पापा जी, क्या हुआ? लेकिन मगर हिम्मत तो देखिए इस आदमी की, अपनी अलमारी छोड़कर मेरी अलमारी में सारी शराब की बोतलें छिपा दी। क्यों किया आपने ऐसा? क्यों? देख, ठंडे दिमाग से सोचे, कितना ब्रिलियंट आइडिया है। तू हमेशा मेरी अलमारी की तलाशी लेती है, लेकिन खुद अपनी अलमारी की तलाशी थोड़ी लेगी, है कि नहीं? बात सही है। अरे क्या बात सही है पिताजी? क्यों नहीं लूंगी मैं अपने अलमारी की तलाशी? कभी किसी पुलिस वाले को पुलिस स्टेशन पर रेड मारते सुना? सुना नहीं है पापा जी, लेकिन आज देख जरूर लिया। मम्मी जी क्या बात है, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मैं तो कह रहा हूँ कि आपको पुलिस में होना चाहिए था। चुप रहे। मम्मी जी शांत हो जाइए। पापा जी, जब आपको पता है मम्मी जी को शराब बिल्कुल पसंद नहीं है तो आप क्यों पीते हैं? बता, क्यों पीता है अकेले अकेले? मतलब क्यों पीता है घर में? मतलब पीता ही क्यों है? खामखा बखेड़ा खड़ा कर दिया। अरे पिताजी, आपकी ये बहू जो है ना, कमाल करती है। भरी बोतल मिली तो बिल्कुल नहीं चिल्लाई, है कि नहीं? और अब वो खाली बोतल मिल गई है तो इतना डांट रही है। बात तो सही है, खाली बोतल पे कौन चिल्लाते हैं मम्मी जी? पर बेटा खाली बोतल का मतलब है पूरी की पूरी बोतल गटक चुके हैं ये। आज एक ही बोतल मिली है, मुझे पता है, पता है। पूरे घर में छिपा कर रखी होंगी इन्होंने। नहीं नहीं प्रेमलता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो ये बोतल थी, बाकी कोई बोतल नहीं है। नहीं नहीं, मुझे पता है, बहुत सारी बोतलें छिपाई होंगी आपने। अरे एक भी बोतल नहीं है, एक भी नहीं मिली। नहीं मतलब नहीं है, कह रहे नहीं है, कोई भी नहीं। मम्मी जी छोड़िए ना, पापा जी आप आज के बाद शराब को हाथ भी नहीं लगाएंगे, ओके? एक मिनट, एक पुलिस वाले के होते इस घर में लड़ाई करने की कोई जरूरत नहीं। सस्पेंडेड है। सस्पेंडेड हूँ, निकाला नहीं गया। वेल, अगर पापा जी ने सारी बोतलें इस घर में छुपाई तो ये पुलिस वाला वो सारी बोतलें चुन चुन के ढूंढ निकालेगा और अभी के अभी दूध का दूध और मलाई की मलाई हो जाएगी। मलाई की मलाई नहीं, दूध का दूध और छाछ की छाछ। दूध का दूध और लस्सी का लस्सी हो जाएगा। अरे भाई, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चलो अभी छोड़ो, खत्म करो ये बात। अरे ऐसे कैसे खत्म हो जाएगा मामला? ढूंढ के निकाल, अभी क्या अभी सारी बोतलें ढूंढ के निकाल। ओके मम्मी जी, जस्ट 2 मिनट्स। 2 मिनट्स, गिव मी 2 मिनट्स। जीतू तो सारी बोतलें ढूंढ लाएगा, ही इज वेरी इंटेलिजेंट। अरे छुपाई होगी तो मिलेगी, है कि नहीं? terrace. Well, मैंने ये केस सॉल्व कर दिया मम्मी जी. This case is open and shut. इस पुलिस वाले ने घर का चप्पा चप्पा छान मारा और एक भी बोतल नहीं मिली. Well, मिस्टर प्रेमनाथ अवस्थी को बाइज्जत बरी किया जाए. थैंक यू मिलोड. जितेंद्र, एक भी बोतल नहीं मिली. मम्मी जी, आपका घर गंगा की तरह पवित्र है. चल मेरे साथ. क्यों? घर गंगा की तरह पवित्र है? जीतू, तेरी गंगा मैली हो गई। अरे ये देखिए दादाजी, ठेका खोल के रखा हुआ पापा जी ने घर में, ये देखिए। एक मिनट, हटिए, हटिए, क्या नहीं? हटो। क्या? अरे क्या? दादी, अरे ये कब छुपाई? मुझे लगा कि यहाँ सेफ रहेगी। ला दे। मेरा पति। अब कैसे मिली इतनी सारी बॉटल्स? ठीक वैसे ही जैसे इसका सस्पेंशन लेटर मिला था। सॉरी मम्मी जी। राज। अरे तू क्यों घबरा रही है? उठाई उसी की होगी। इनका चक्कर में मेरा वाइन का बॉटल पकड़ा गया। कुछ करो। बाकी सब ठीक है लेकिन वो वाइन की बोतल मेरी नहीं है। चुप हो जाइए, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं कह रहा हूँ वो बोतल मेरी नहीं है। नहीं ये वाइन की बोतल किसकी है जरा? आपकी है, पीते हैं आप? नहीं सूजी पीने ही कहा देती है। ये अरे नहीं नहीं पिताजी मेरी वो बोतल मेरी नहीं है। नहीं इसकी है सारी बोतलें। फेंको 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 सबकी सब फेंको। नरेंद्र कबाड़ी को बुलाओ। इतनी सारी बोतलें एक साथ? क्या मैडम पूरा परिवार एक साथ 10 के भाव में? चुपचाप बोतल गिनो और बताओ कितना होता है। सच कहता हूँ प्रेमलता ये वाली बोतल मेरी नहीं है। अरे ताता जी देखना चाहता हूँ किसकी है। वापस रख दीजिए, वापस रख दीजिए। वहाँ पापा जी रख दीजिए ना। इसे कितना हुआ? इन सब का मिलाकर हो गया 70 रुपए, मगर आप ये लीजिए 80 रुपए। बड़ा दरिया दल है तू, बनते 70 दे रहा 80 है। एक मिनट रुकिए। ये कहा जा रहा है? हाँ? इन दोनों को मिलाके होते 80 रुपए। ये एक थप्पड़ मारूंगा तुझे। ये कहाँ से उठा लाया? हाँ ये कहाँ मिले? आप लोग बाथरूम के अंदर फ्लश की टैंकी चेक करना भूल गए थे और हर शराबी बाथरूम की फ्लश की टैंकी में जरूर छुपाता है। क्यों दादाजी 10 के भाव में? क्या प्रेम है कि नहीं? अरे हाँ वो भी तो वहीं पे छुपाते थे, मतलब लड्डू भी। नहीं नहीं मम्मी जी वो मैं मेरा मतलब वो नहीं था वो मैं मम्मी जी मैं भी है। अरे कहाँ घूम रही है सुबह से आप? वो मैं बाहर वो मम्मी जी और पापा छोड़िए ना। आप सुबह सुबह कहाँ चले गए थे? आप मुझे अपनी कोई इच्छा बताने वाले थे ना। तुझे याद है? मैं आपकी कोई भी बात नहीं भूलती, बस पराठे में नमक भूल जाती है। अच्छा सुन, आज शाम को तू और मैं बाहर जाएंगे, तैयार है? मेरे साथ बाहर जाने की इच्छा है आपकी? हाँ, नहीं हो सकती? नहीं नहीं हो सकती है ना। अब कहाँ जाएंगे आप? हम नहीं, अभी नहीं बताऊंगा, शाम को ही बताऊंगा। तू बस तैयार है ना? हाँ। नहीं नहीं नहीं, आपको तो पता ही ना शाम को घर में कितना काम रहता है। अब मैं सबको क्या बोलूंगी कि मैं अकेली कहाँ जा रही हूँ? अरे बोला तो कि तू और मैं साथ जाएंगे। ये आप जानते हो कि मैं आपके साथ जा रही हूँ, मैं जानती हूँ कि मैं आपके साथ जा रही हूँ, लेकिन घर वाले तो नहीं जानते ना कि मैं आपके साथ जा रही हूँ। मैं उनको क्या बताऊँ? तुम बीवियों का भी कमाल होता है, वैसे बोलती हो बाहर नहीं लेके जाते हो, टाइम नहीं देते हो। जब ले जाने की बात करो तो मम्मी को क्या बोलूंगी, पापा को क्या बोलूंगी, सौ नखरे सौ ना नुकुर। अरे क्या बोलेगी तू? देख शाम को बस तैयार है। और सुन, वो पहले बर्थडे पे जो लाके दिया था ना, वही पहनना, अच्छी लगती है उसमें। पहले बर्थडे पे आप कहाँ थे? पहले बर्थडे पे तो मेरे पापा ने ना वो फ्रॉक दी थी, वो मैं तो अब मतलब वो फिट नहीं है। फ्रॉक पापा ने कितने क्यूट है। क्या खा के पैदा किया था मम्मी ने? वो बताया था ना, गोंद के लड्डू। गोंद के लड्डू। अरे शादी के बाद पहले बर्थडे पे मैंने जो लाके दिया था वो पहनना, उसमें अच्छी लगती है। ओह, शाम को वही पहनना। हाँ। पता नहीं कहाँ लेके जाने वाले हैं मुझे। ये मेरा सपना था। तो क्या हुआ, सपना था। कहते हैं ना, दिन वाले सपने तो सच हो जाते हैं। Anyway, I am very 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 happy. Thank you so much, लड्डू जी। Sorry sorry, very sorry. आपका नाम ले लिया। चलिए, मैं तैयार हो जाती हूँ। कहाँ जा रही हैं आप इस वक्त? वहाँ कहाँ देख रही हैं भाभी? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कहाँ जा रही हैं आप इस वक्त? वो रचना। किसकी रचना? मेरी रचना। मेरा मतलब है मेरी जो फ्रेंड रचना है ना, उसका बर्थडे है तो वहाँ जा रही हूँ। माँ से पूछा? माँ को बताया? माँ से बिना पूछे जा रही हैं आप? ये बंद करना तेरी फालतू की तफ्तीश। वेल, तफ्तीश करना मेरा फर्ज है, इसीलिए आपसे पूछ रहा हूं। अब 100 रुपए दे इसको, 100 रुपए दे, मैं बोल रहा हूं ना। जी तो भैया ये लीजिए, रख लीजिए। सॉरी, माँ को मैं संभाल लूंगा, आगे से पूछ कर जाना। थैंक यू भाभी। आपको कैसे पता था कि 100 रुपए में? मुझे मालूम है इसका, ये 150 के चक्कर में ही। रूपा, कहाँ जा रही इतनी रात को? वो क्या कर रही है? माँ है, पैसे देगी क्या? अरे कर क्या रही है? तेरी तबीयत तो ठीक है? हाँ मम्मी जी, क्यों, क्या हुआ? कल सफेद साड़ी मांगने आई थी मुझसे और आज ये कपड़े? अब वो मम्मी जी, मेरी जो फ्रेंड रचना है ना, उसका बर्थडे है। वो बहुत फोर्स कर रही थी कि अगर मैं नहीं जाऊंगी ना वो केक नहीं काटेगी, इसलिए मैंने सोचा कि... क्या सोचा? सोचा कि मैं सफेद साड़ी पहन लूं, पर आपने मना किया तो। अरे सफेद साड़ी नहीं तो ये, बीच का कुछ नहीं मिला रूपा? वो क्या है ना मम्मी जी, ये साड़ी ना मुझे इन्होंने दी थी। इन्होंने? उन्होंने। किन्होंने? आपके बेटे ने। ओ, लड्डू ने? हाँ, मेरे पहले बर्थडे पर मुझे गिफ्ट किया था ये। तेरे पहले बर्थडे पर लड्डू कहाँ मिला तुझे? मतलब शादी के बाद वाले पहले बर्थडे पर। तो ऐसे कहना। दिल का बड़ा अच्छा था मेरा लड्डू, कभी कभी उसकी बहुत याद आती है। तो मम्मी जी ऐसे ही समझिए कि वो आपके सामने ही है, मतलब आसपास है, हर जगह है। उनको भी आपकी बहुत याद आती होगी ना? हाँ, उसे मेरी याद तो आती होगी। अच्छा किया जो तूने उसके दिए हुए कपड़े पहन लिए, अब ये पहन के तुझे भी ऐसा लगेगा जैसे लड्डू मेरे साथ ही है। हाँ? ऐसा लगेगा ना मुझे, आप यही तो बोलने वाले थे ना। हाँ, हाँ, हाँ। तो हम चले? हाँ चलो। हाँ हाँ हाँ, हाँ। मैं चलती हूँ ना। बेटा इतनी रात गई, तुझे अकेले नहीं जाने दूंगी, तुझे छोड़ के आऊंगी मैं, चल। नहीं नहीं मम्मी जी, आप ऐसे। पापा जी को देखिए ना। मुझे नहीं देखना उनकी तरफ। नहीं देखिए, लड़खड़ा रहे हैं, शायद उन्होंने शराब पी होगी। आप खुद ही जाके स्मेल कीजिए, आएगी आपको स्मेल। चलिए। तू पागल है क्या? मेरे बाप को क्यों बताया? सॉरी वेरी सॉरी, और कुछ समझ में नहीं आया, चलिए ना। सॉरी पापा जी। बेशर्मी की हद होती है। अरे आप क्या किया मैंने? शराब पी है आपने। रूपा कह रही थी आपके कपड़ों से बू आ रही है। रूपा ने कहा? हाँ। नहीं पी। अरे पी है। नहीं पी, माँ कसम नहीं पी। सुनिए, ये आप कैसी जगह मुझे लेकर आए हो? ये बहुत अजीब जगह है। अजीब क्या है इसमें? हर जगह आदमी ही आदमी है। बहुत शोर है, चलिए ना। अरे शुरू शुरू में शोर लगता है, 10 मिनट के बाद तू इन सबसे ऊपर बोलेगी। नहीं नहीं, एक काम करते हैं, हम कोई अच्छी जगह जाते हैं ना, जहाँ माहौल अच्छा हो, म्यूजिक अच्छा हो, लोग अच्छे हो। प्लीज प्लीज चलिए ना। तू अपनी आखिरी इच्छा पूरी करने निकलेगी मेरी? नहीं वो, या तो चल के बैठ मेरे साथ या घर चल वापस। ठीक है बैठते हैं, पर थोड़ी देर के लिए बैठेंगे। आपकी इच्छा पूरी हो जाए। जी महादेव का मंदिर तो बाजीवाली गली में है, आप यहाँ कहाँ पे आ गए हो? ए चुप कर चंदू, बोलना। वो मुझे यहीं पे आना था। तो आइए फिर। ये देख, ये है मेरी परमानेंट टेबल। ये बात अलग है कि अब मैं ही परमानेंट नहीं रहा। कोई बात नहीं, बैठ बैठ। क्या देख रहे हो आप लोग? फैमिली बार है, अपनी बीवी तो साथ लेके आते नहीं हो, दूसरों की बीवी घूर घूर के देखते रहते हो। थैंक यू चंदू। अरे अपना काम करो ना। क्या हुआ, टेंशन क्यों ले रही है? आप यहाँ रोज आते थे। हाँ अच्छी जगह है ना। बहुत ही सैड जगह है। सैड? अरे यहाँ आके तो सबकी सैडनेस दूर हो जाती है। और मेरे लिए तो जगह बहुत लकी है। लकी? हाँ। तुझे पता है पिछले साल जो 25 लाख का ऑर्डर मिला था ना, वो डील यहीं साइन हुई थी। क्लाइंट को मैं यहीं लेके आया था। और दादाजी को हार्ट अटैक हुआ था ना, तो यहाँ पास में महादेव जी का मंदिर है, मैं वहाँ गया, मैंने दादाजी के लिए दुआ मांगी, फिर यहाँ आके बैठा, शराब पी, तभी जितेंद्र का फोन आया कि दादाजी खतरे से बाहर है। लकी हुआ ना। वो तो मंदिर में आपने दुआ की थी, इसलिए दादाजी ठीक हो गए ना। लेकिन फोन तो तब आया ना जब मैं यहाँ आके बैठा था। तो हुआ ना लकी। ये तो उस दिन गलती हो गई जो तेरे अजवाइन के पराठे खाने के लिए घर आ गया, और तूने मेरा। उस दिन के लिए सॉरी, वेरी सॉरी। चल छोड़ ना, छोड़ छोड़ छोड़। तू ये बता क्या ऑर्डर करेगी? मुझे कुछ नहीं खाना है। आपको कुछ खाना है तो आप मंगा लीजिए ना। तुमने छोड़ा है मुझे कुछ खाने मंगाने के लिए? तू अपने लिए मंगा ना। बता बता क्या पिएगी? अपने लिए तो एक रम मंगा ले। और नहीं रम नहीं, तू ना वाइन मंगा। वाइन? वाइन? हाँ। मैं ये सब नहीं पीती हूँ, आपको पता ही है। अरे अपने लिए नहीं, मेरे लिए पी। हाँ तुझे पता है रूपा, मेरा बड़ा मन था कि एक दिन तुझे यहाँ लेके आओ, हम दोनों साथ में बैठ के खाना खाएं, साथ में एक एक ग्लास वाइन पिए, और ये गजलें। कमाल है तुम बीवियों का। वैसे बोलती हो कहीं लेके नहीं जाते, और लेके जाते तुमको घर की याद आती है। अरे वैसे बोलती हो कभी साथ नहीं छोड़ूंगी, और आज एक गिलास वाइन पीने को बोला तो मुझे अकेले छोड़ के जा रही है। वैसे बोलती है कंधे से कंधा मिलाऊंगी, और आज मेरी आखिरी इच्छा पूरी करने की बात आई तो पीठ दिखा के जा रही है। रूपा जा तू। अगर पति के साथ वक्त बिताने की शर्त यही है कि बीवियों को शराब पीनी पड़ेगी, तो लो मैंने पी ली। अगर पति का साथ देने का मतलब यही है कि शराब पीनी पड़ेगी, तो लो पी ली मैंने। आज तक कंधे से कंधा नहीं मिलाया आपके साथ, हमेशा आपके पीछे ही चलती रही। पर अगर कंधे से कंधा मिलाने का मतलब यह है कि शराब पीनी पड़ेगी, तो लो अगर आपकी इच्छा यही है कि मैं वो सारी चीजें करूं जो मेरा दिल नहीं चाहता, तो लो, पी लिए मैंने। अरे क्या करी रूपा? पी ली। रूपा क्या 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 पी ली? पी ली मैंने। खुश? क्या करी रूपा? खुश? बैठ 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 जा रूपा। तूने तूने नीट बैठ जा रूपा। बैठ तू बैठ आराम से बैठ। क्या करती है तेरा गुस्सा ना? बैठ जा दो मिनट आराम से। अरे तू क्या कर रहा है इसके लिए कोई पान? रूपा ठीक है? रूपा तो ठीक है? रूपा तू तो मेरी बात सुन, देख इधर। अरे तू क्या मुंह देख रहा है? जा ना चंदू कमीने। अबे तू क्यों देख रहा है? जा ना यहाँ से चंदू कमीने। सॉरी, वेरी सॉरी। एक बात बताऊं? मुझे ना ये जगह बहुत अच्छी लग रही है अब। यहाँ के लोग भी ये आप मुझे जानते हो? नहीं, जानता नहीं हूँ, लेकिन जानना चाहता हूँ। काफी इंटरेस्टिंग है आप, और बहादुर भी। I mean, इतने सारे मर्दों के बीच में अकेले। Are you single? नहीं, मैं शादी कुवारी। नहीं, विडो। पर वो तो है ना, तो विडो तो सिंगल नहीं, डबल हूँ मैं। डबल क्या फर्क पड़ता है, सिंगल हो या डबल? सबसे अच्छी बात पता है क्या है? आप यहाँ पे अकेली आई हैं? नहीं, मैं अकेली नहीं आई हूँ, मैं उनके साथ आई हूँ ना। मेरे पति वहाँ बैठे हैं, दिख रहा है ना आपको? हाँ, दिख रहा है। झूठे कैसे दिख सकते हैं? मेरे पति सिर्फ मुझे दिखते हैं और किसी को नहीं दिखते, तो आपको कैसे दिख रहा है? झूठ बोलते हो आप। आपकी आंखें ना बहुत खूबसूरत है, और ये बात मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच। आपको पता है मेरे पति ने ना कभी मेरी आंखों की तारीफ भी देखा ही नहीं। मेरी आंखों की तरफ तारीफ कैसे करेंगे? सच में? एक काम करोगे आप मेरे साथ चलोगे और उनको बताएंगे कि मेरी आंखें बहुत अच्छी है। आप जहाँ कहेंगे वहाँ साथ चलूंगा मैं। इनफैक्ट आपको घर भी छोड़ दूंगा। ओ पहलवान, सोचना भी मत, बिक जाओगे 10 के भाव में। कौन है बे तू? देवर है। ये भाभी है हमारे मोहल्ले की, जरूर से ज्यादा होशियारी की। गाड़ी में डाल के लेके जाएंगे। कौन सी गाड़ी? कबाड़ की गाड़ी, इसमें भंगार भर के लेके जाते हैं। उस गाड़ी में डाल के लेके जाएंगे और बेच देंगे 10 के भाव में। निकलो यहाँ से। अगर निकलो यहाँ से, बुलाए मैनेजर को। आप बदमाश आया, क्यों भेजा उसको? अरे भाभी, वो अच्छा आदमी नहीं था। मेरी आंखों की भी तारीफ कर रहा था वो, पता है? उसकी खुद की आंखों में जो था वो तो आप देख नहीं पाई। और सुनो भाभी, आप यहाँ मत आया करो, ये जगह आपके लायक नहीं है। और फिर यहाँ आकर पियोगी तो आपके घर से खाली बोतलें मुझे कैसे मिलेंगी 10 के भाव में? सही बात है। मैं जाऊँ? मैं भी जा रहा हूँ अपने घर, आप भी निकलो अपने घर। अरे घर नहीं, नहीं मैं वॉशरूम की बात कर रही थी, घर भेज रहे हैं, उनके बिना कैसे जाऊंगी ना। कहाँ इतनी देर था? वो कोई मिल गया था, वो यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं एंड ये जगह वेरी वेरी नाइस। वो जो मिला था ना, वो कह रहा था कि मेरी आंखें बहुत अच्छी। किसको अच्छी लगी तेरी आंखें? वो वहाँ पे वो स्वीट सा आदमी था, पता नहीं वो कबाड़ी ने उसे भगा दिया। मैं ढूंढ कर लाती हूँ, आपसे मिलवा। नहीं नहीं, रुक, तू एक काम कर, घर चल, हो गई मेरी आखिरी इच्छा पूरी, चल। इच्छा तो अभी बाकी है मेरे दोस्त, दारू तो हो गई, खाना तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। बिरयानी खाएंगे? हाँ सुनिए, एक बिरयानी और आपके लिए कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, इनके लिए कुछ नहीं। और बताइए क्या? एक बात बोलूं? हाँ। जब मैं आपके सामने बैठती हूँ और आप इधर उधर देखते हो ना, मुझे बहुत बुरा लगता है। जब मैं सिर्फ आपके लिए तैयार होती थी ना, आप मेरी तरफ देखते ही नहीं थे, वो भी बहुत बुरा लगता था। जब मैं इतने प्यार से आपके लिए खाना बनाती थी ना, और आप घर आके कहते थे कि मैं खा के आया हूँ, बहुत बुरा लगता था। जब हमारी एनिवर्सरी पर आप मुझे विश तक नहीं करते थे ना, सच में बहुत बुरा लगता था। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.